नमस्कार वणकम सत श्री अकाल, स्वागत है आपका सुनील के सूत्र में। वीगो प्रो कबड्डी में 3 मैच हैं और तीनों मैचेस में इन 6 टीम्स की जीत का सूत्र क्या हो सकता है अकॉर्डिंग टू मी, उस पर संक्षेप में चर्चा करेंगे। आप उनसे सहमत हैं असहमत हैं नीचे कमेंट्स में दोनों जताइए, संवाद बना रहना चाहिए। पहला मैच यू मुंबा बनाम तमिल तराईवाज। यू मुंबा महाराष्ट्र डाबी में पुनेरीपल्टन से हार के आए हैं। तमिल तराईवाज दक्षिण भारतीय डाबी में सदर्न डाबी में तेलुगु टाइटंस को हरा के आए हैं। यू मुंबा के लिए जीत का सूत्र मुझे लगता है कि अभिषेक सिंह हो सकते हैं। अभिषेक राइट रेडर हैं, उनका रनिंग हैंड टच कमाल का है, बोनस बहुत अच्छा करते हैं और जो तमिल तलाईवास के राइट कवर हैं कैप्टन सुरजीत सिंह बहुत कमाल की फॉर्म में है, बहुत कमाल के खिलाड़ी हैं, पर उनकी हालिया फॉर्म बहुत अच्छी नहीं है। पिछले 3-1 मैचेस में सुरजीत ज्यादा नहीं चले, तो अगर उनको टारगेट किया अभिषेक ने, सुरजीत को बाहर करने के 2 फायदे होंगे, पॉइंट तो मिलेगा ही, दूसरी टीम की धुरी है सुरजीत। तलाईवाज जी सुरजीत के बिना ऐसा महसूस करते हैं जैसे तमिल लोग इडली बिना पोड़ी घी के या बिना कोकोनट चटनी के। तलाईवाज के लिए, तमिल तलाईवाज के लिए जीत का सूत्र क्या हो सकता है? मुझे लगता है कि उनके लेफ्ट कवर और लेफ्ट कॉर्नर का जो कॉम्बिनेशन है, मोहित और साहिल जहां पे होते हैं, क्योंकि यू मुंबा के अजीत ने पिछले मैच में सुपर 10 लगाया था, वो है लेफ्ट रेडर और जो लेफ्ट वाला डिफेंस है तमिल तलाईवास का, अगर वो अच्छा खेल जाता है तो तमिल तलाईवास को एज मिलेगी। क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूं कि राइट कॉर्नर सागर जो नंबर 1 डिफेंडर है इस समय, वो तो अच्छा खेलेंगे ही, लेफ्ट के डिफेंस को ज्यादा बेहतर खेलना पड़ेगा। वो मेरे लिए तमिल तलाईवास के लिए जीत का सूत्र हो सकता है। मैच नंबर 2 कौन सा है? यूपी योद्धा बनाम तेलुगु टाइटंस। यूपी योद्धा ने अपना पिछला मैच पटना पायरेट से हारा, उत्तर भारत हिंदी क्षेत्र डाबी का मैच था, और तेलुगु टाइटंस तो बहुत बुरी तरह से तमिल तलाईवास से हार के आए हैं। तो दोनों टीम को सबसे पहला काम यह करना है कि पिछले मैच की याद को भुलाना है, स्पेशली पटना पायरेट्स। उनके लिए जीत का सूत्र किस खिलाड़ी के हाथ में है? मुझे लगता है कि प्रदीप नरवाल के हाथ में है। आप कहेंगे भैया प्रदीप खेलेगा या नहीं हमें नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, लेकिन मैं आशा करता हूं कि कोच साहब आज उनको खिलाएंगे। क्यों? क्योंकि सामने तेलुगु टाइटंस का डिफेंस, स्पेशली उनका राइट कॉर्नर लेफ्ट कवर जो कॉम्बिनेशन है, लेफ्ट कवर बार बार चेंज हो रहा है, कभी सी अरुण आते हैं कभी कोई और आता है, राइट कॉर्नर पे भी आकाश चौधरी या उनसे पहले कुछ और खिलाड़ियों को ट्राई किया चले नहीं, यही है प्रदीप नरवाल का सबसे मजबूत क्षेत्र जहां वो पॉइंट लेते हैं। तो इतने बड़े सुपरस्टार को, जो आपने भी पूछा मैंने भी कहा हम सब ने फील किया कि इतने बड़े सुपरस्टार को थोड़ा कॉन्फिडेंस मिलना चाहिए, ये मैच है यूपी योद्धा के लिए कि आप प्रदीप को ना केवल खिलाइए बल्कि उनको स्ट्राइक रेडर बनाकर सुरेंद्र गिल से ज्यादा रेड करवाइए। मुझे लगता है कि आज प्रदीप नरवाल को कॉन्फिडेंस देने के लिए बेहतरीन मैच है। तेलुगु टाइटंस के लिए जीत का सूत्र सुरेंद्र पाजी, क्योंकि सामने भी सुरेंद्र है, सुरेंद्र गिल यूपी के लंबे राइट रेडर, तेलुगु टाइटंस के राइट कवर सुरेंद्र सिंह, तो दोनों राइट और राइट के बीच में, दोनों सुरेंद्रों के बीच में आज टक्कर होने वाली है। प्रदीप खेले ना खेले मैं उम्मीद करता हूं खेले, सुरेंद्र तो ज्यादा रेड करेंगे ही करेंगे या प्रदीप के बराबर रेड उनकी होगी होगी या आप मान के चलिए। तो अगर सुरेंद्र को सुरेंद्र ने रोक लिया, सुरेंद्र गिल को सुरेंद्र सिंह ने रोक लिया, उधर प्रदीप सिर्फ हम उम्मीद कर रहे हैं, हमें पता नहीं वो खेलेंगे ना खेले, लेकिन सुरेंद्र गिल तो खेलेंगे ही। तो सुरेंद्र सिंह ने अगर सुरेंद्र गिल को दबोच लिया तो तेलुगु टाइटंस कुछ इस मैच में फाइट कर सकते हैं। अब उनके लिए प्ले ऑफ पहुंचना बहुत मुश्किल हो गया है, तो उनके पास यही एक मौका है, फाइटिंग चांस, कि जब आपके पास खोने को कुछ नहीं है तो ज्यादा खतरनाक रूप क्या आप दिखा पाएंगे। मैच नंबर 3 पे आइए, जयपुर पिंक पैंथर्स और हरियाणा स्टीलर्स के बीच का मैच है। हरियाणा ने अभी कल बंगाल वॉरियर्स को पीटा है, बहुत अच्छे मार्जिन से पीटा है, और जयपुर पिंक पैंथर्स दिल्ली जैसी बड़ी टीम को हरा के यहां आई है, तो दोनों टीम का कॉन्फिडेंस बहुत बड़ा होगा और मेरे अनुसार आज की रात का शायद ये सबसे करीबी मैच हो जो टाई तक जा सकता है। जयपुर के लिए जीत का सूत्र मेरे अनुसार अर्जुन देसवाल, एक तो वैसे ही प्रभु कमाल की फॉर्म में है, पिछले 5-6 मैचेस में कुछ 4-5 सुपर 10 उन्होंने लगाए हैं। दूसरी बड़ी बात यह कि हरियाणा का जो राइट का डिफेंस है, राइट कवर मोहित और राइट कॉर्नर रवि, बहुत ज्यादा अच्छी फॉर्म में नहीं है, और राइट के रेडर हैं अर्जुन देसवाल, वो भी रनिंग हैंड टच बहुत करते हैं, तो उनका निशाना वही होगा राइट कवर पे, राइट कॉर्नर पे, जहां होंगे मोहित जहां होंगे रवि कुमार। क्या राकेश कुछ चेंज करेंगे आज? क्या राजेश नरवाल को राइट कवर पे मौका मिलेगा?
या वो चेन के साथ ही जाएंगे, क्योंकि जो चेन है ना मोहित और जयदीप की, हरियाणा के लिए मेरे अनुसार जीत का सूत्र उनके हाथ में है, क्योंकि जयपुर के पास सिर्फ अर्जुन राइट रेडर ही नहीं है प्रभु, लेफ्ट में दीपक हुड्डा भी हैं, और दीपक हुड्डा का भी डू और डाई में या वैसे बोनस लेने में और रनिंग हैंड टच करने में कोई सानी नहीं है। दिल्ली के खिलाफ याद है मनजीत को उन्होंने किस तरह से आउट किया था, वही काम दीपक के खिलाफ, दीपक को नहीं करने देना है, उनको रोकना है। तो जयदीप और मोहित जो चेन बना के टैकल करते हैं, दीपक को रोकने की जिम्मेदारी इनपे होगी। अर्जुन देशवाल राइट से आएंगे तो चेन घूम जाएगी, फिर इस चेन की धुरी मोहित के हाथ में होने वाली है। तो पूरी तरह से यह मैच मेरे लिए, इधर दो रेडर्स अर्जुन दीपक, इधर दो कवर डिफेंडर मोहित और जयदीप, इन दोनों के ऊपर, इन दोनों के प्रदर्शन के ऊपर निर्भर करता है, और आप लोगों पे यह निर्भर करता है कि आज शाम के शो में मैं टाई पहनूं कि ना पहनूं। बताइए कमेंट सेक्शन में, एक ओपिनियन पोल है, जनता कहेगी तो हम पहनेंगे, नहीं कहेगी तो नहीं पहनेंगे। फिलहाल के लिए थैंक यू, नमस्कार, और बताइए कि और किन मुद्दों पे, इन प्रीव्यूज के अलावा आप चाहते हैं कि मैं कुछ वीडियोस बनाऊं, हर संभव कोशिश करूंगा। जय हिंद।